जबलपुर भारत देश में स्थित मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख व ऐतिहासिक जिला है। जबलपुर अपने तहजीब व मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। जबलपुर जिला का हेडक्वार्टर ऑफिस जबलपुर शहर में स्थित है और यह जिला जबलपुर मंडल के ही अंतर्गत आता है। दोस्तों, सड़क पर दौड़ती ज़्यादातर गाड़ियों के नंबर प्लेट पर MP 20 लिखा देख लीजिएगा तो आप यह समझ जाइएगा कि हम जबलपुर ज़िला में दाखिल हो चुके हैं। जबलपुर ज़िला अपनी सीमाएं कुछ अन्य जिलाओं से भी साझा करती है, जिसमें उत्तर दिशा में कटनी ज़िला, उत्तर पूर्व दिशा में उमरिया ज़िला, पूर्व दिशा में ढिंढोरी ज़िला और दक्षिण पूर्व दिशा में मंडला तथा नरसिंहपुर ज़िला से घिरा हुआ है। लगभग 5211 वर्ग किलोमीटर में फैले जबलपुर ज़िला की कुल आबादी साल 2011 जनगणना के अनुसार 24,63,000 से भी ऊपर है, जिसमें पुरुष की कुल आबादी 12,77,000 तथा महिला की कुल आबादी 11,86,000 से भी ऊपर है। इस जिला का औसत लिंगा अनुपात 928 है। दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि जबलपुर ज़िला में प्रतिवर्ष 1,000 पुरुष पर 928 महिला जन्म लेती है। जबलपुर ज़िला नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 303 किलोमीटर तथा देश की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 855 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा के दृष्टिकोण से जबलपुर ज़िला काफ़ी आगे है। वैसे दोस्तों, इस ज़िला का साक्षरता दर 82% के करीब है, जिसमें पुरुष व महिला दोनों लोग शामिल है। आवागमन के दृष्टिकोण से जबलपुर ज़िला सड़क मार्ग व रेल मार्ग दोनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं नंबर 1 सड़क मार्ग की। जबलपुर ज़िला सड़क मार्ग से मध्य प्रदेश और देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से जाने के लिए आपको बस सेवाएँ भी मौजूद मिल जाएंगी। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 7, नेशनल हाईवे संख्या 12 और नेशनल हाईवे संख्या 26 गुजरती है, जिसके माध्यम से आप अन्य ज़िलों और अन्य राज्यों में आसानी से जा सकते हैं। नंबर 2 रेल मार्ग। रेल मार्ग से जबलपुर ज़िला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से जाने के लिए रेल मुहैया भी उपलब्ध है। वैसे दोस्तों, इस ज़िला के नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है और यह रेलवे स्टेशन जबलपुर ज़िलावासी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के ज़िलावासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान है। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।